हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पीति वैली ट्रिप के कंप्लीट वर्चुअल टूर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे लाहौल स्पीति ट्रिप प्लान कैसे करें, कैसे जाएं, कहां स्टे कर सकते हैं, वहां क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और सबसे बेस्ट टाइम क्या है जाने के लिए। तो अगर आप फुल ऑफ एडवेंचर स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो में स्पीति ट्रिप को लेकर आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फ्रेंड्स, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लाहौल और स्पीति दोनों ही अलग अलग हिमालयन वैलीज हैं जो भारत तिब्बत बॉर्डर पर स्थित हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और पथरीले पहाड़ों के लिए काफ़ी फेमस हैं। साल के ज़्यादातर समय लाहौल स्पीति के पहाड़ बर्फ से ढके हुए रहते हैं। इसके जो रोड्स हैं वो काफ़ी थ्रिलिंग, रिस्की और एडवेंचरसिस हैं। कई जगहों पर तो यहाँ रोड कई किलोमीटर तक बहुत ही ख़राब हालत में भी है। इसके अलावा हैवी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के कारण कभी कभी रोड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। स्पीति ट्रिप एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सभी को काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पीति वैली घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। वैसे तो साल के किसी भी समय आप यहां विजिट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीति वैली का शिमला से रिकोंगपियोर की ओर जाने वाला रूट लगभग साल भर खुला रहता है। इसलिए मोस्टली टूरिस्ट मार्च अप्रैल से अक्टूबर नवंबर के महीनों में यहां आना पसंद करते हैं। जून के महीनों में दोनों रूट शिमला और मनाली से खुला मिलता है, इसलिए स्पीति विजिट के लिए ये मंथ्स अच्छे माने जाते हैं। साथ ही इन्हीं महीनों में लाहौल स्पीति के लगभग सभी टूरिस्ट स्पॉट्स के रोड्स भी ओपन मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। साथ ही वहां का टेम्परेचर भी घूमने के हिसाब से ठीक बना रहता है। वहीं कुछ एडवेंचर और स्नो लवर्स टूरिस्ट विंटर मंथ्स जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये ट्रिप करते हैं। बाकी मानसून के कुछ महीनों में लैंडस्लाइड की वजह से सबसे कम टूरिस्ट ही इस जगह पर विजिट करते हैं। बात करें लाहौल स्पीति तक कैसे जाएं, तो स्पीति वैली तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मनाली से रोहतांग पास, कुंजुम पास और चंद्रताल लेक होते हुए स्पीति वैली पहुंचता है। यहां मनाली से स्पीति वैली की दूरी 178 किलोमीटर है। यह रास्ता सर्दियों के समय हैवी स्नोफॉल के चलते रोड ब्लॉक होने से 6 महीने बंद रहता है। तथा दूसरा रास्ता शिमला से नारकंडा, रिकोंगपियो, नाको और ताबो होते हुए स्पीति वैली पहुंचता है। यहां शिमला से स्पीति वैली की दूरी लगभग 420 किलोमीटर है। यह वाला रूट काफ़ी लंबा भी है, लेकिन सर्दियों के कुछ समय को छोड़कर बाकी समय लगभग साल भर यह रूट खुला रहता है। ये दोनों ही रास्ते खूबसूरत और एडवेंचर से भरे हैं, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी रास्ता ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मनाली वाले रूट पर मनाली बेस पॉइंट मानते हैं और शिमला वाले रूट पर शिमला को बेस पॉइंट मानते हैं। वैसे शिमला की ओर से जाने से आपको एक फ़ायदा तो यह है कि इस रूट पर ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे शरीर आसानी से सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग ढल जाता है। और दूसरा, सबसे अधिक टूरिस्ट स्पॉट भी इसी रूट पर पड़ते हैं। लाहौल में जो मेन टाउन है उसका नाम है केलोंग और स्पीति का जो मेन कमर्शियल हब है उसका नाम है काजा। इसके अलावा आप स्पीति वैली को सर्किट रूट के जरिए भी पूरा कर सकते हैं। इसमें आप शिमला से शुरू करके मनाली होते हुए वापस आ सकते हैं या मनाली से शुरू करके शिमला की तरफ वापस आ सकते हैं, जिसमें आप इस रूट पर पड़ने वाले लगभग हर एक छोटे बड़े टूरिस्ट स्पॉट को कवर कर सकते हैं। अब शिमला या मनाली तक आने के लिए आप चंडीगढ़ तक या दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग दोनों रूट में से एक रूट का चुनाव कर सकते हैं। अब जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शन है स्पीति वैली घूमने के लिए। फ्रेंड्स, बेस पॉइंट चुनाव करने के बाद नंबर आता है व्हीकल चूज करने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं कि अपना खुद का व्हीकल लेकर। इन दोनों ही विकल्पों में और भी विकल्प खुलते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो पहला ऑप्शन है सरकारी बसें, दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी। हिमाचल में ट्रेवल करने का सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है HRTC बसें। शिमला और मनाली दोनों ही जगहों से काजा तक हिमाचल रोडवेज की बस सुबह सुबह चलती हैं। वहीं शिमला से रिकोंगपियो तक भी बसें चलती हैं और रिकोंगपियो से काजा के लिए भी बसें उपलब्ध हैं। चाहे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप दिल्ली से मनाली तक की बस ले सकते हैं और एक दिन मनाली में स्टे करके
आप नेक्स्ट डे निकल सकते हैं काजा के लिए। मनाली से काजा के लिए बस सुबह 6 बजे निकलती है। आप चाहे तो प्री बुकिंग भी कर सकते हैं या ऑन द स्पॉट आपको सीट भी मिल जाएगी। मनाली से काजा पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे लगते हैं और ये शॉर्टेस्ट रूट है स्पीति वैली पहुंचने का। अगर प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी की बात करें तो शिमला और मनाली दोनों ही जगहों से दोनों प्रकार की टैक्सी उपलब्ध है। आप अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग टैक्सी बुक करके वैली विजिट कर सकते हैं और यदि अपना खुद का वाहन लेकर जाते हैं तो बाइक या कार से भी जा सकते हैं। बस रिकमेंडेड कार हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारें एक अच्छा ऑप्शन होगा, जबकि हैचबैक कारों को लाने से बचें। वैसे आने को तो यहाँ कुछ लोग नॉर्मल बाइक या कार से भी आ जाते हैं और ट्रिप पूरी करते हैं। अगर पहाड़ों पर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो ज़रूर अपनी कार से विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन स्पीति वैली। तो स्पीति वैली में आप रुक सकते हैं काजा में। काजा में आपको कई सारे होमस्टे और होटल्स मिल जाएंगे जिनमें आपको रेस्टोरेंट्स की भी सुविधा मिल जाएगी। काजा में होमस्टे और होटल्स का वन डे का रेंट लगभग 600-800 रुपये से 15 से 2000 रुपये तक देखने को मिलता है। काजा स्टे करने से आप स्पीति वैली के आसपास के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप रुक सकते हैं किब्बर विलेज में, जो कि फेमस है अपने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और स्नो लेपर्ड वॉचिंग के लिए। इसके अलावा किब्बर से ही कुछ ही दूरी पर स्थित चीचम ब्रिज और विलेज भी जा सकते हैं और थोड़ी सी हाइकिंग करके नियर बाई प्लेसेस को विजिट करके अपना अच्छा दिन स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं स्पीति ट्रिप के दौरान आप किन किन टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। तो स्पीति वैली में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। आप एक दिन में इजिली 5 से 6 प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, की, किब्बर और चीचम विलेज। हिक्किम में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जहां से आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को पोस्ट भी कर सकते हैं। और यहीं से थोड़ी सी दूरी पर है कॉमिक विलेज। कॉमिक विलेज में वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट है और साथ ही मोनेस्ट्री भी है, जहां टूरिस्ट विजिट करते हैं। इससे कुछ दूरी पर ही है लांगजा विलेज, जिसमें एक बुद्धा स्टैचू है। ये भी एक अच्छी लोकेशन है कुछ समय बिताने के लिए। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं किब्बर विलेज और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक मोस्ट हाईएस्ट विलेज है, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्नो लेपर्ड सहित हिमालयन आईबैक्स और अन्य जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। किब्बर में भी कुछ होमस्टेज अवेलेबल हैं, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो यहाँ भी वन डे के लिए स्टे किया जा सकता है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं चीचम विलेज, जो कि एक और आइडियल प्लेस है इस रूट पर। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, जहां आप रुककर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। कुछ टाइम यहां बिताने के बाद आप जा सकते हैं की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति वैली की सबसे खूबसूरत और मस्ट विजिट प्लेस है। यह मोनेस्ट्री टूरिस्टों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, जहां पर आप कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है धनकर मोनेस्ट्री। यह सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक मोनेस्ट्री है। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर स्थित धनकर लेक भी विजिट कर सकते हैं, जहां से खूबसूरत लैंडस्केप व्यूज देखने को मिलते हैं। यहां पर धनकर लेक ट्रैक भी है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आप धनकर लेक से कुछ ही दूरी पर स्थित पिन वैली नेशनल पार्क जा सकते हैं। यह अपने नेचुरल ब्यूटी व स्नो कवर्ड माउंटेन्स और स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो पिन वैली नेशनल पार्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां से फ्री होकर आप वापस काजा जाकर नाइट स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप बाकी बचे प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आप जा सकते हैं चंद्रताल लेक। यह स्पीति वैली की सबसे खूबसूरत झील है। चंद्रताल लेक ट्रैकिंग लवर्स लोगों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट है। यह लेक कैंपिंग के लिए भी एक शानदार जगह है। इस झील की सबसे खास बात यह है कि यह लेक एक दिन में कई बार कलर चेंज करती है। और इसके बाद जो अगला प्लेस आप विजिट कर सकते हैं वो है कुंजुम पास। इसे कुंजुम ला के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन्स पासों में से एक है। इस दर्रे का नाम यहाँ पर स्थित मंदिर माता कुंजुम के नाम पर पड़ा है। यह मनाली से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है और काजा से करीब 76 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंजुम पास से फेमस चंद्रताल लेक के लिए ट्रैक भी है, जिसे करने के लिए एडवेंचर्स लवर टूरिस्ट यहां आते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा भी लाहौल स्पीति ट्रिप के दौरान और सर्किट पूरा करते समय
कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो रास्ते में पड़ते हैं और जिन्हें आप अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग जाते या आते समय कवर कर सकते हैं, जैसे किन्नौर, चितकुल, कल्पा, केलोंग, नाको और ताबो आदि। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि स्पीति वैली ट्रिप के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, तो यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां से आ रहे हैं और आपकी यात्रा का तरीका क्या है। लेकिन दिल्ली को एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो 6 से 7 दिनों का टूर प्लान ठीक रहेगा, जिसमें आप हर एक जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी ट्रेवलिंग टाइम अगर निकाल दें तो इन सभी प्लेसेस को आप अपने ट्रिप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2 या 3 दिन अलग अलग जगहों पर स्टे करके कवर कर सकते हैं। इसलिए अपने बजट और कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान करें। और अगर बात करें लाहौल स्पीति ट्रिप पर खाने पीने की, तो इस ट्रिप के दौरान आपको खाने में राजमा चावल, आलू पराठा, मैगी और मोमोज जगह जगह मिलेंगे। जबकि इसके अलावा स्पीति के कुछ लोकल फूड्स जैसे मद्रा, थेंगतुक, थुक्पा आदि को भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी टोटल ट्रिप कॉस्ट की बात करें तो एस्टिमेटेड टूर बजट आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसमें हर व्यक्ति पर होने वाले खर्च में काफ़ी अंतर पाया जा सकता है, जो आपके रहने खाने, ठहरने और ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, कहाँ रुकते हैं, किस वाहन का इस्तेमाल करते हैं और कितने दिनों का आपने स्पीति ट्रिप बनाया है आदि। तो दोस्तों, ये थी स्पीति ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका स्पीति ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।